इनके साथ साथ हमारी जितनी भी सरदारी है, हमारी खाप पंचायतें हैं, उन सब के सरदारों को, उनके संचालकों को, अध्यक्षों को नमन करता हूं, और सबसे ज्यादा नमन करता हूं माँ विद्यावती की मूर्त रूप ये बैठी माताएं। और याद होगा मैंने ये विद्यावती नाम क्यों लिया है, बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब इस देश की आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, तब भी इन माओं ने अपने नौजवान बेटों को देश की आजादी के लिए देने का काम किया था। और आप लोगों को जान करके ये खुशी होगी कि जिस ऐतिहासिक धरती इस खटखड़ के ऊपर आप बैठे हुए हैं, जिस किसान आंदोलन को आप चला रहे हैं, इससे आप लौट जाइए वापिस लगभग 107-8 साल पीछे। मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ 1907 में, जब अंग्रेज तीन काले कानून लेकर के आए थे किसानों के, उन तीन किसानों के जो काले कानून थे उनको वापस भेजने का काम किया था। तो खटखड़ की भूमि से शहीद आजम भगत सिंह के जो चाचा जी थे, चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, ये आर्य समाज के कार्यकर्ता थे, परंतु खटखड़ की भूमि से किसानों के लिए एक आवाज उठी थी और उस समय नारा दिया गया था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। और उसके बाद जब भी इस देश में जैसी जैसी जरूरत पड़ी, इस कटकड़ भूमि ने अपने आप को बलिदान करने का काम किया है। उस भूमि से चार पीढ़ियां, दादा अर्जुन सिंह, किशन सिंह और उनके बाद शहीद आजम भगत सिंह, चाचा अजीत सिंह, कितने लोगों के नाम मैं बता सकता हूं जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने का काम किया। आज ये हमारी माताएं बैठी हैं, इनको मैं संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं, आपका ये योगदान इतिहास के स्वर्णिम पन्नों के ऊपर लिखा जाएगा। जब इस सरकार के काले कारनामों के करतूतों को उजागर किया जाएगा, तब आपके ये स्वर्णिम पन्ने सामने आएंगे कि हमारी माताएं इन सरकार बेरहम सरकारों की गोलियों के सामने डट करके खड़ी हो गई और इन्होंने कहा कि यदि आपको गोलियां चलानी है तो हमारे सीने के ऊपर गोलियां चलाइए, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बेटों को हम कुछ नहीं होने देंगे। इन माताओं ने जो संघर्ष किया है, इन माताओं ने जो हौसला दिखाया है, वो सबसे ज्यादा अनुकरणीय है। वो जो है, मैं उनको कहता हूँ कि आपका जो योगदान है वो इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जिनके सर के ऊपर पगड़ी दिखाई देती है। इन पगड़ी की लाज बहुत बड़ी चीज है और पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है। एक महिला ने पिछली बार एक बयान दिया, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये देश तो 2014 में आजाद हुआ है, भले ही ये कहीं ना कहीं राजघरानों की पत्तल चाटने वाले लोग, उनके पैसों पर पलने वाले लोग, इस मजदूर को, किसान को बदनाम करने वाले लोग जब ये बात कहते हैं कि ये देश 2014 में आजाद हुआ था, उससे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था सत्य और अहिंसा का, उसके दम पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। उनके साथ चाहे शहीद आजम भगत सिंह को चलने की बात हो, रामप्रसाद बिस्मिल को चलने की बात हो, अशफाकुल्ला खान को चलने की बात हो, सब लोग उसके राही बने थे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो ये आंदोलन चला था, इसमें भी कहीं किसी साथियों ने कोई बंदूक नहीं चलाई, परंतु अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी ताकत के दम पर इस किसान ने यह दिखा दिया कि तानाशाही सरकारों को झुकाने का काम यदि कोई कर सकता है इस देश में वर्तमान समय में, तो ये मजदूर और किसान कर सकता है, इसके अलावा किसी के पास ताकत नहीं है। और सरकारों को, आप लोगों को ये चैलेंज करना पड़ेगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही दिया जल जाएगा। अब तो आमने सामने की टक्कर है सरकारों के साथ। जो भाई अनीश जी ने कहा कि कुछ लोगों ने इनके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये कांग्रेस के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस तो छोड़ दीजिए आप लोगों के ऊपर नहीं, इन माताओं के ऊपर आरोप लगाए गए कि ये पाकिस्तानी, इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि ये आतंकवादी, इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि ये चाइना के पैसे के दम पर बैठी हुई है। जो माताएं अपने घर में बैठ करके वहां से आते समय एक डोलू के अंदर दूध लेकर के इस आंदोलन में शामिल होती थी, चार रोटी अपने साथ बांध करके लेकर के आती थी, उनके ऊपर इन राजनेताओं ने आरोप लगाए कि ये पाकिस्तानी, ये चाइना के पैसे के ऊपर पल रहे हैं, ये आतंकवादी संगठन से संबंध रखते हैं, ये खालिस्तानी संगठनों से संबंध रखते हैं। जब हमारी माताओं को अपमानित किया गया है, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं एक समाज का एक सामान्य सा कार्यकर्ता होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जब बात इस देश की आए, बात इस मजदूर की और किसान की आए, तो सन्यासियों को भी खड़ा होना पड़ता है। और इतिहास साक्षी है, 1857 की बात हो चाहे 1757 की बात हो, इन दोनों जगह सन्यासियों ने क्रांति करने का काम किया था, परंतु आज तो लोगों ने राम को बांट लिया है। एक राम हमारा राम है, जो इस किसान का राम है। जब हल्की मूठ को पकड़ता है किसान, तो कहता है कि ले राम का नाम, एक वो राम है
और दूसरा राम इन राजनेताओं का है जो किसी के मंदिर मस्जिद को तोड़ने के लिए राम का नाम लेकर के उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। हमें अपने राम के ऊपर गर्व है, हमें उस राम के ऊपर गर्व है जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, उस राम के ऊपर गर्व है जो अपने पिता के एक आदेश के ऊपर इस राजगद्दी को ठोकर मार करके चल पड़ता है और 14 साल तक उसको देखने का काम नहीं करता है। आज आवश्यकता इस बात के इन राजनेताओं के जलाशयों में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले भिवानी में एक रैली हुई है, बहुत थोड़े से लोग थे, जितने आप लोग बैठे इससे भी 400-500 कम लोग थे वहाँ, परंतु वहाँ अजय चौटाला ने जो बात कही है उसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, खास करके किसान साथियों को। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा किसान आंदोलन सिर्फ जदपा पार्टी के खिलाफ था, सिर्फ दुष्यंत चौटाला के खिलाफ था। मैं ये कहना चाहता हूँ ये खटखड़ की भूमि है, इन्हीं माताओं ने आपको घर में बैठा बैठा करके दूध पिलाया है, साथ में 100-100, 500-500 रुपए आपकी पार्टी के लिए दिए हैं और आपको आगे बढ़ाया है। ये वही माताएं हैं, अपना फर्ज अब निभाएंगी। हमारे 750 से ज्यादा किसान मारे गए हैं, यदि आप आज ये दूध का गिलास दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी के लोगों को पिलाते हो तो मैं ये मानूंगा कि आप इन 750 किसानों की चिताओं पर पानी डालने का काम कर रहे हैं। क्या चाहता हूँ ये खटखड़ की भूमि है, इन्हीं माताओं ने आपको घर में बैठा बैठा करके दूध पिलाया है, साथ में 100-100, 500-500 रुपए आपकी पार्टी के लिए दिए हैं और आपको आगे बढ़ाया है। ये वही माताएं हैं, अपना फर्ज अब निभाएंगी। हमारे 750 से ज्यादा किसान मारे गए हैं, यदि आप आज ये दूध का गिलास दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी के लोगों को पिलाते हो तो मैं ये मानूंगा कि आप इन 750 किसानों की चिताओं पर पानी डालने का काम कर रहे हैं। ये संकल्प हमारी माताएं लें कि इनको अपने घरों में नहीं घुसने देंगे। अरे जिन लोगों के घरों में ये लोग जाते थे उनकी तो भैंस नहीं बिकती थी, आप लोगों ने उनमें उनको अपने सिर के ऊपर बैठा लिया। आज आवश्यकता इस बात की एक एक बात को समझने की है और इन राजनेताओं को इनकी औकात दिखाने की आवश्यकता है। इन राजनेताओं में ज्यादा दम नहीं होता, ये तो बंदर की तरह से होते हैं, एक बार आपने दहाड़ लगा दी तो छत से नीचे गिरने का काम करेंगे। एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, अनिश जी और सतबीर जी बैठे हुए हैं, हमारी पूरी सरदारी बैठी हुई है, गांव के स्कूल में शहीद आजम भगत सिंह का एक स्टैचू लगा हुआ है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, उसके लिए जो भी काम करना पड़े उसमें मेरी भी जो आप जिम्मेदारी लगाएंगे मैं करूंगा, कि गांव के अंदर एक जय जवान और जय किसान का स्मारक बनना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद करें और उस स्मारक के अंदर 750 किसान जो शहीद हुए हैं उन सारे के सारे किसानों के नाम इस तरह से लिखे होने चाहिए जिस तरह दिल्ली के इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए हैं। मैं इसका आग्रह और निवेदन कर रहा हूँ, उसकी जमीन चाहे ग्राम पंचायत से लेनी पड़े या खरीदनी पड़े, जो भी व्यवस्था करनी पड़े काम आप लोगों को ये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप करें। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि आप लोगों ने एक साल के बाद ये कार्यक्रम किया है, साथियों ये ऐसे कार्यक्रमों को हर महीना एक निश्चित कर दीजिए ताकि आपस में सब लोग मिल बैठ करके आगे के प्रोग्रामों की योजना बनाते रहें। दूसरा एक गाँव में जिनके ऊपर केस है, अनिश जी जिनके ऊपर केस है उस गांव में निगरानी कमेटी बने, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं हमारे एक दो साथी को अकेला जान करके उस पुलिस के लोग उठा करके वहां से ले जाएं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे किसान साथियों की होनी चाहिए, ये भी मैं निवेदन कर रहा हूं। इतना निवेदन करते हुए कि हमारी जो भी जिम्मेदारी आप लोग लगाएंगे, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं इन्हीं किसानों से मांग करके खाते हैं, तो आपके इस रोटी का कर्ज, इस दूध का कर्ज उतारने के लिए और इस मिट्टी पर खेल करके हम बड़े हुए हैं, इसका कर्ज उतारने के लिए हम लोग तो आए हैं। जो जिम्मेदारी लगाएंगे जहां कहोगे वहां खड़े होकर के इस किसान के साथ इस लड़ाई में शामिल होंगे। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बलराम कटवाल जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बार जोरदार तालियां आदित्य वेश जियों के लिए, खटखड़ टोल कमेटी के लिए, बलराम कटवाल जियों के लिए जोरदार तालियां दोबारा से कैप्टन साहब।